हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई आप लोग सेकंड वीडियो देख के आप लोग हो चुके होंगे बोर, तो आज मैं आ चुका आप लोगों के लिए प्लॉट के डील लेकर। तो आप लोगों को मालूम होगा आसनसोल में अनंदम रेसिडेंसी के नाम से भाई बहुत ही बड़ा रेसिडेंसी है। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और क्या क्या होने वाला है यहाँ पे, सारा कुछ भी आप लोगों को बताने वाले हैं। वैसे तो भाई मैं बहुत ही बार इसका नाम सुना हूँ, अनंदम रेसिडेंसी भाई बहुत ही अच्छा प्लॉट वगैरह देता है, काफी बहुत कुछ है अंदर। तो अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। भाई अगर देखा जाए तो अंदर आने के बाद भाई यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा गेट, और गेट के जस्ट पास में आप लोगों को 25 फीट का रोड देखने को मिल रहा है। अब भाई एक चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा अनंदम रेसिडेंसी का कि हर एक रोड का भाई एक अलग अलग अपना नाम है। जैसे कि रोड नंबर 1 में आप लोग देख सकते हो गंगा नाम से, और रोड नंबर अगर 2 आप लोग देखते हो तो भाई जमुना नाम से। तो मतलब हर एक रोड का भाई अपना अलग अलग नाम है। बाकी आप लोग देख सकते हो भाई बैक साइड भाई घर भी बन चुका है, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो भाई बहुत सारा घर यहाँ पे बन चुका है ऑलरेडी। भाई अनंदम के अंदर आने के बाद भाई मेरे को यहाँ पे एक चीज और दिखाया, जैसे कि अनंदम प्रीमियम जैसे को ले सकते हो। जो अनंदम के अंदर सेपरेट रहना चाहता है, सेफ रहना चाहता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। पीछे भाई आप लोग घर देख सकते हो, भाई कितना प्यारा घर है। और बाकी यहाँ पे भाई बहुत जगह मतलब घर वगैरह बनी हुई है। रोड नंबर 7 में आप लोगों को गोमती नाम का रोड देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ पे आप लोगों को भाई देख सकते हो छठ घाट मिल जा रहा है। अगर कोई अनंदम रेसिडेंसी के अंदर में रह के छठ पूजा अगर करना चाहता है तो भाई आप लोग कर सकते हो। अभी यहाँ भाई थोड़ा सा पानी कम है, बट यहाँ पे मेरे को जहाँ तक मालूम चला है कि एक महीना पहले से यहाँ पे काम चालू हो जाता है सारा कुछ, और छठ घाट जो गंदा रहता है या फिर जो भी रहता है लाइट वाइट का जो भी काम रहता है, एक महीना पहले से ही सारा कुछ किया जाता है। और यहाँ पे अभी पानी भी आप लोग देखते हो भाई थोड़ा सा कम है, लेकिन उस टाइम पे भर दिया जाता है यहाँ पे कि अच्छे से लोग छठ पूजा कर सके। नंबर 7 गोमती में आप लोगों भाई थोड़ा सा अंदर साइड अगर आप लोग आते हो तो भाई आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला स्पोर्ट्स जोन। यहाँ पे आप लोग भाई खेलना चाहते हो, कोई जो हमारे एज के लोग होते हैं वो अगर यहाँ पे खेलना चाहते हैं, या फिर छोटा सा ओपन जिम बनाया गया है यहाँ पे, कोई वर्कआउट या फिर कुछ भी करना चाहता है भाई एक्टिविटीज़ वगैरह स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पे आके कर सकते हो भाई। अभी भाई हम लोग आ चुके छोटे बच्चों के पार्क वाले एरिया में, सेंट्रल एवेन्यू के पास, जो कि भाई रोड नंबर 8 और 9 के बीच में पड़ता है। भाई मेरे को तो यहाँ पे सही लगी है कि छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे पार्क बनाया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर जैसे कि 6 साल के या 7 साल के, तो आप लोग यहाँ पे आके अपने छोटे बच्चे को खिला सकते हो। यहाँ पे छोटा बच्चों के लिए एक यहाँ पे पार्क बनाया गया, जो कि रोड नंबर 8 और रोड नंबर 9 के बीचों में आप लोग को ये मिल जा रहा है। और एक बात, जैसे कि बहुत लोग भाई डरते होंगे ये कि हमारा बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा, आप लोग बिना बोले जैसे घर से निकल जाते, तो भाई घर से निकल के आएंगे कहाँ पर, भाई पार्क में आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, उसके बाद फिर घर आ जाएंगे। आप लोगों को टेंशन भी लेने का जरूरत नहीं है। ऐसा होता है कि भाई घर गेट के बाहर निकला तो कहीं हरा ना जाए, कोई कुछ ना कर दे, तो ये सबसे भी आप जो भी आप लोग बेफिक्र यहाँ पे रह सकते हो। रोड नंबर 11 कावेरी, आप लोगों को मालूम है कि भाई अनंदम रेसिडेंसी का एक हर एक रोड में भाई आप लोग एक नाम बनाया गया, मतलब हर एक रोड का एक अलग अलग अपना नाम है। तभी हम लोग रोड नंबर 11 में, और यहाँ पर तो देख सकते हो भाई मंदिर का एरिया आप लोग देखने मिल जाएगा। अगर कोई पूजा वगैरह अगर करना चाहता तो भाई आप लोग यहाँ पे आके कर सकते हो। मंदिर भाई अच्छा खासा ही बनाया गया है, और आप लोग को उस साइड भाई झूला भी देखने को मिल रहा है मंदिर का।
अभी हम लोग आ चुके हैं भाई रोड नंबर 16 साबरमती। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है भाई माँ तुलसी गार्डन। यहाँ पे आप लोगों को तुलसी माँ का गार्डन दिखने को देखता है। आप लोग देख सकते हो भाई लाइन से यहाँ पे तुलसी गाछ लगी हुई है। अगर कोई यहाँ से अगर लेके अपने घर पे अगर तुलसी माँ को स्थान देना चाहता है तो भाई आप लोग यहाँ से लेके जा सकते हो। रोड नंबर 16 में आपको शिव गार्डन भी देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो भाई मजा मिल जा रहा है। गार्डन नंबर 15 और यहाँ पे आई थिंक 22 गार्डन अभी यहाँ पे है। गार्डन के जस्ट पास में आप लोग यहाँ पे केला का गार्डन भी देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा केला का गाछ है यहाँ पे। अगर किसी के घर में अगर पूजा वगैरह अगर हो रहा है, केला का पत्ता का ज़रूरत है या फिर केला गाछ का ज़रूरत है तो आप लोग यहाँ से लेकर जा सकते हो भाई। आप लोग देख सकते हो भाई बहुत सारी गाछ वगैरह यहाँ पे लगी हुई है केला की। रोड नंबर 15 कोसी। एक चीज़ और मेरे को यहाँ पे अच्छी लगी है कि भाई आप लोग को हर एक जगह पे मतलब इस टाइप का बना हुआ देखने को मिल रहा है, टेंट वगैरह जहाँ पे आप लोग भाई आके बैठ सकते हो, आप लोग गपशप कर सकते हो। जैसे कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जो सीनियर लोग आते हैं वो लोग को भाई शाम के समय थोड़ा सा शांत जगह चाहिए होता है, तो आप लोग यहाँ पे भाई शांत एरिया आप लोगों को मिल रहा है जहाँ पे आप लोग आके आराम से बैठ सकते हो, आप लोग बातें कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर के साथ। ये भी आप लोग को एक और गार्डन देखने को मिल जा रहा है। और एक चीज़ भाई डेकोरेशन के साथ सारा कुछ किया गया है। और इस साइड भी आप लोग देख सकते हो भाई एक और गार्डन आप लोग देखने मिल रहा है। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो भाई 26 या 22 गार्डन यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ भी अगर फंक्शन वगैरह अगर होता है तो भाई यहाँ पे बहुत जल्दी जोरों का काम वगैरह होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे कोई बाबा जी आने वाले हैं इसलिए भाई यहाँ पे बहुत ही अच्छा कुटिया बना जा रहा है जैसे कि बाबा जी यहाँ पे रह सकें और सारा कुछ सेवा वगैरह का यहाँ पे मतलब सबको मौका दिया जाता है। और एक चीज़ भाई ये जो एरिया है भाई जैसे कि बहुत सारा आप लोग रेसिडेंसी देखे होंगे कि भाई जो भी काम होता है एकदम धीरे धीरे यहाँ पे मतलब सारा जगह काम होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे भाई जो भी रहता है जैसे अगर आप लोग अगला वाला अगर आप लोग ये प्लॉट अगर लेते हो तो भाई वहाँ पे जस्ट तुरंत रोड ही बन जाता है। जैसे कि भाई इधर ऑलमोस्ट सेल हो चुका है तो भाई यहाँ पे भी रोड का काम चालू है। रोड का काम मेरे को जहाँ तक लगता है भाई वो भी एक सप्ताह के अंदर यहाँ पे रोड का भी काम हो जाएगा जो कि इस जगह पे। अब बाकी तो भाई आप लोग देखे कि भाई बहुत जगह जहाँ पे सेल हो चुका है वहाँ पे घर भी बन चुका है प्लस वहाँ पे रोड का भी जो काम है वो भी हो चुका है। यहाँ पे जितनी भी गार्डन है बट 20 नंबर वाला जो गार्डन है भाई बहुत ही प्यारा गार्डन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई कोई अगर एनिवर्सरी हो या फिर कोई बर्थडे सेलिब्रेट अगर करना चाहता है यहाँ पे इस जगह पे तो आप लोग देख सकते हो भाई अंदर में भाई काफी अच्छा जगह है। यहाँ पे आप लोग भाई केक रख लो और बाकी आपके चार दोस्त आराम से भाई बैठ के केक वगैरह कट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे भाई आप लोग अगर सजाना भी चाहते हो तो भाई यहाँ पे आप लोग लाइटिंग का काम करवा के सजा भी सकते हो। बाकी भाई उस साइड भी आप लोग देख सकते हो बैठने का जगह, इस साइड भी बैठने का जगह आप लोगों को मिल रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा गार्डन है। बाकी अगर कोई बुजुर्ग यहाँ पे आके भाई जैसे शाम के समय इवनिंग वॉक पे या मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो आपके आप लोग यहाँ पे आराम से बैठ के ठंडा हवा का आनंद उठा सकते हो। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नवीन भैया के पास जो कि इस प्रोजेक्ट के ब्रांच हेड है। तो अभी नवीन भैया कैसे हैं? एकदम अच्छे, आप कैसे हैं? बढ़िया भैया। तो ये जो रेसिडेंसी है, ये जो सोसाइटी, यहाँ पे क्या क्या होने वाला भैया? तो ये एक टाउनशिप है, ठीक है? अच्छा, कम्प्लीट एक टाउनशिप है, मतलब गली मोहल्ले वाली ये फीलिंग्स नहीं आएगी। ये टोटल 800 बीघा का टाउनशिप हम लोग रेडी कर रहे हैं जहाँ हमारा प्लानिंग है 2500 घर बनाने का। 2500 घर? हाँ, अभी लमसम 250 प्लस घर बन चुके हैं, 280 के आसपास घर बन चुके हैं। 100 अबव में फैमिली रह रही है। अब मेरे पीछे जितने भी घर देख रहे हैं ये सारे घर इस प्रोजेक्ट के अंदर ही है। अच्छा, और बाकी यहाँ पे भी सारा प्लॉटिंग कटना स्टार्ट हो चुका है? हाँ अभी। और बाकी यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज होने वाली है? जैसे देखिए ये तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल के अंदर है, पार्क है, गार्डन है, टेम्पल है, सुपर मार्केट है, रोड है, ड्रेनेज है, पानी की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का है, एक इंडिया पावर एक वेस्ट बंगाल, क्लब हाउस की भी फैसिलिटी हम लोग इसके अंदर दे रहे हैं,
एमिनिटीज बहुत सारी है, ठीक है, जो ये लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें एमिनिटीज हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ से ये जो सोसाइटी है इसके बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है? नहीं, जैसे कि जिम भी अंदर ही है, ओपन जिम इसके अंदर है, सुपर मार्केट इसके अंदर ही है, मतलब बच्चों के लिए पार्क भी है, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया भी है, स्पोर्ट जोन भी है, जगह जगह पे आप देखते होंगे गार्डन है, गार्डन बहुत सारा है। हाँ, बहुत सारे गार्डन इसलिए है कि जैसे जो सर्विस होल्डर होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट क्या चाहते हैं, तो किड्स प्ले एरिया चाहते हैं। सही बात, उनके लिए सुबह शाम बैठने के लिए गार्डन है और थोड़ा सा शांत जगह चाहिए होता है। जैसे लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर पाइप का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसके लिए मेरे पास इंडोर इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, प्लम्बर इंडोर है सारा मेरा। आप फोन करेंगे आपको 5 से 10 मिनट में हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो उसका चार्जेस वगैरह क्या रहेगा भैया? अगर आप मान लीजिए देखिए कि किसी प्लम्बर को बुलाते हैं तो उसका 100 रुपीज़ हम लोग चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम अपना करवाइए, अगर उसको हम लोग फ्री कर देंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि बेवजह भी लोग बहुत बार ऐसा बुलाते हैं, ठीक है ना। सही बात है, लेकिन आप 100 रुपीज़ मान लीजिए सुबह से आप लोग शाम तक भी करवा रहे हैं तो 100 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सही बात है, तो कोई भी काम करवा सकते हैं। भैया ज़मीन का रेट क्या है? ज़मीन का रेट आपका लमसम 6,12,000 रुपये कट्ठा से। अच्छा, अलग अलग जगह का अलग 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 रेट है। हाँ, अब बाकी भाई जो भी अभी तक यहाँ पे नहीं लिए हैं तो हो सकता है भाई जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे साल बढ़ेगा, वैसे वैसे ज़मीन का दाम बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, जब हम लोग लॉन्च किए थे उस समय 2.5 से 3 लाख रुपये कट्ठा लॉन्च किया, 2.5 से 3 लाख। हाँ, और अभी भाई आप लोग देख लो कितना घर बन चुका है। हाँ, कितना ज़्यादा रेट भी हो चुका। बहुत लॉन्ग टाइम भी नहीं हुआ, लमसम 4 साल में हम लोग 2.5 से 3 लाख से 6 लाख चले गए। मतलब जिनका इन्वेस्टमेंट भी था, जो लोग प्लॉट लेके इन्वेस्टमेंट भी किए उनका भी तो पैसा जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, उनका भी रेट। अच्छा, सही बात है। जो पैसा मान लीजिए को 10 लाख लगा है तो आज के रेट उनका वैल्यू 20 लाख हो गया है। सही बात है। और एक बात भाई, सेटिंग में 2.5 लाख 3 लाख कट्ठा यहाँ पे बिक रहा था, अभी 6 लाख कुछ कट्ठा हुआ है। इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है भाई, अगर आप लोग यहाँ से अगर प्लॉट अगर खरीदते हो, आप लोग रख भी दोगे ना, तो 1 साल 2 साल के बाद हो सकता है वो ज़मीन का रेट 10 लाख भी हो सकता है। एकदम बेफिक्र होकर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में 2 से 3 साल में ये 14 से 15 लाख रुपये कट्ठा चला जाएगा। सही बात है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर मॉल हो या फिर हॉस्पिटल हो, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के अंदर ही सारा कुछ है। नहीं, ये और कम होगा आपका, लमसम यहाँ से जुबली 1.5 किलोमीटर पे, 1.5 किलोमीटर, हाँ, जुबली 1.5 किलोमीटर पड़ता है, और उसे 0.5 किलोमीटर और आपका सेंट्रा मॉल है, सेंट्रा मॉल के बगल HLG हॉस्पिटल तो जस्ट पास में। हाँ, HLG हॉस्पिटल है, हेल्थ वर्ल्ड अभी आ गया है। अच्छा, जैसे लोगों को दुर्गापुर जाना पड़ता था हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल के लिए, वो आसनसोल पे भी खुल गया है, या मेरे सोसाइटी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। और बात है इसके अंदर ही, ठीक है ना। अभी हम लोग ओपन जिम दिए हुए हैं, स्पोर्ट जोन भी हमारा है, बच्चों लोग के खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया भी दिए हुए हैं, यंगस्टर जो होंगे उनके लिए क्रिकेट पिच है, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल है, ये सारा कुछ हम लोग ला रहे हैं। अच्छा, और बाकी भी अब बहुत लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता तो फाइनेंस का भी सुविधा होने वाला है क्या? होम लोन हो जाएगा, होम लोन हो जाएगा, घर बनाने के लिए हम लोग होम लोन करवा देंगे। अच्छा, घर का रेट क्या होने वाला है? घर जैसे प्लॉट के साथ में 1 BHK हम लोग लमसम 17 से 18 लाख के बीच में 1 BHK देते हैं। 17 से 18 लाख? हाँ, 2 BHK आपका आएगा 22 से 23 लाख। 22 से 23 लाख? हाँ, 3 BHK डुप्लेक्स आएगा आपका 27 से 30 लाख के अंदर में। 27 से 30 लाख के आसपास। यहाँ के जो भी इन्फॉर्मेशन थी सारा कुछ अभी हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, जो चैनल न्यू है सब्सक्राइब में जाना, वीडियो लाते रहते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।